Devam ettim. Regular parti. Regular parti. Regular parti. Anti sağ. Anti sağ. Anti sağ. Administration. Administration. KK government. KK government. Nikola band makano se. Nikola. KK government. KK government. KK government. KK government. KK government. KK government. जिसे संभाली थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा 61,000 जो स्थायी कर्मचारी उनका विकास होगा। अभी सब लोगों ने देखा कि बजट भी पास हो गया। इस मन से हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आपको हम विकास पुरुष कहते हैं कि अभी 28 से पहले इनका जो बजट है उस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान हो। हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, मिनिमम वेज चाहिए, हमारा जो पेंडिंग सैलरी का जितना भी इशू है वो होना चाहिए। जैसे कि हमारे डेली वेजर हैं, जैसे कि कईयों ने सुसाइड कर दिया, जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी चाहिए। ये मांग हम करते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जैसे कि आज सबको पता है कि आज हमारा वर्ल्ड वाटर डे है, मगर ये जो वाटर बचाना तो है, मगर वाटर को चलाने वाले जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर ये जो 61,000 स्थायी कर्मचारी जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि जिन गरीब स्थायी कर्मचारियों को 70 महीने से 72 महीने से दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनके जो बच्चे हैं, बेटी बढ़ाओ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, जिन्हें हमारे स्थायी कर्मचारियों को 72 महीने से वेतन ना मिला हो, अगर वो अपनी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज हम इस मन से उनसे एक बार आग्रह करते हैं और कहना चाहते हैं कि हम आपको विकास पुरुष मानते हैं कि 28 से पहले इस बजट में हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, हमें पेंडिंग सैलरी चाहिए। हम भाषण जो उन्होंने दो मिनट की चर्चा ही की है, मगर फिर भी हम कहते हैं कि बहुत कभी सुना नहीं, दिल्ली में भी डेली वेजर की कोई चर्चा हुई है? फर्स्ट टाइम हुई है, थोड़ी देर के लिए हुई है। हम उनके भाषण या उनकी चर्चा पर डिपेंड नहीं है। हम जितने लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, हमें अपना हक लेने आता है। कहने को आज विश्व जल दिवस मना रहे हैं, मगर जल को बचाने वाले जो लोग हैं, सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, ये आज भी मर रहे हैं और 20-25 साल से ये मरते आ रहे हैं। हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, प्रोग्राम रखा है सभी डेली वेजर को इधर करके। अगर गवर्नमेंट ये 28 तारीख तक हमारा जो भी बजट में सेशन चल रहा है उसमें प्रावधान नहीं करते, तो इसी दिन से लेके 28 तारीख तक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि गवर्नमेंट समझ जाए और हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें हैं उस पर अमल करे, नहीं तो मजबूर हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता पकड़ना पड़ेगा कि बाद में जो भी कुछ होगा उसका सारा जिम्मेवार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। जो फ्रंट की तरफ से इस वक्त मेरे साथियों ने आपको बताया कि एक डेली वेजर की डिमांड जो है पिछले 20-25 साल से चली आ रही है रेगुलराइजेशन की। आज की सरकार जो है, हमारे गवर्नर साहब जो है, उन्होंने हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर एक एग्रीमेंट किया था, रिटर्न एग्रीमेंट, और उनने बोला था DDC इलेक्शन के बाद हम आपका मसला जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे और इसको हल करेंगे। उनके कहने के मुताबिक हम वेट कर रहे थे कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है ये हमारे डेली वेजरों के साथ इंसाफ करेगी, लेकिन इस वक्त टिल डेट 4 महीने हुए, अभी तक गवर्नर साहब ने हमारे बारे में कलम नहीं उठाया है और हम मजबूर हो गए। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट सूबा जम्मू जो है, इस वक्त हम मजबूर हैं इस वक्त कोई ड्रास्टिक कदम उठाने के लिए, और हमारा 1 से लेकर 61,000 जितने भी डेली वेजर हैं सारे के सारे इस वक्त इस नया में डूबे हुए हैं, और सारे लोग इस वक्त कुछ ऐसा करने के लिए उतावले हो गए हैं, क्योंकि आप हमें ये समझाएं, जैसे SOPs का इस वक्त बोल रहे हैं हम उसका पालन करेंगे। SOPs का पालन इसलिए करना है कि जिंदगी बचानी है। इस तरफ से तो गवर्नमेंट हमें मार रही है, हमारी 61,000 जो हमारी फैमिलियां हैं, 5 लाख इनके साथ जुड़ी हुई, उनके साथ तो गवर्नमेंट बिल्कुल भेदभाव कर रही है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, पेंडिंग सैलरी का कोई क्या कहते हैं इनके पास प्रोग्राम नहीं है, हमारी सैलरी, हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है। सारे गरीब लोग जो हैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें कर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपके माध्यम से, अपने फ्रंट की तरफ से मैं ये सब उनको इस वक्त क्या कहते हैं, जो वर्कर आपके माध्यम से इस वक्त सुनेंगे और सुन रहे हैं, सब वर्करों को हम ये कह रहे हैं कि हम आपके शाना बशाना हैं, आप खड़े हो जाओ, सारे के सारे रोडों पे आ जाओ, एक ही बार इसका फैसला हो जाए।
और जब तक ना गवर्नर इंतजामिया इसमें खुद मुलविस हो जाए, वो खुद इंसाफ करने की क्या कहते हैं कुर्सी पे आ जाएं और हमारे साथ इंसाफ करें, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपका वक्त ये ले लूँगा कि आप देख रहे हैं 10 मंचों से यहाँ से क्या कहते हैं 61,000 क्या कहते हैं डेली वेजरों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हीं लोगों ने इस मसले को ख़राब किया है। हम देख रहे हैं कि 2014 में हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पहुँचाया था कि हमारी सिर्फ रेगुलराइजेशन बकाया थी, हमने अपनी तनख्वाह को रेगुलर किया था। 2008, 2009, 2010 में हमारे वर्करों के 9, 10 और क्या कहते हैं 11 सैलरियाँ मिली थी साल में। हमने इसको कहीं पहुंचाया था किसी ठिकाने पे, जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारा फ्रंट है, लेकिन उसके बाद जो ये नए इसमें घुस गए, जो ये बेकार लोग हैं जिनको आता पता कुछ नहीं है, जिनको सीएसआर का पता नहीं है, मुलाजमों का कानून जो गवर्नमेंट ने बना उसका पता नहीं है, वो इसमें घुस के वो करप्शन करने लगे। उन्होंने ये किया कि इस मसले को आगे ले जाना का जीरो पे पहुंचाए। इस वक्त जो हम 2007 में गवर्नमेंट को बोल रहे थे हमारी तनख्वाह रेगुलर करो, 2021 में इन्होंने इस वक्त ये ना, वो ये देख रहे हैं कि जो फ्रंट इस वक्त काम कर रहा है, जो चेहरे इस वक्त काम कर रहे हैं, वो 2014 में काम कर रहे थे और इनका मसला जो था एक एक सिटअप आगे जा रहा था। बहरहाल इनके पास भी दिमाग है, ये भी इसमें से क्या कहते हैं 50% लोग पढ़े लिखे हैं, इनको पता है अगर ये एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे थे, सिटअप बाय सिटअप ये काम होता है, उतावले नहीं हो जाते। ये उस वक्त ये बोल रहे थे उस वक्त कि 3 महीने में हम इनका ऑर्डर करवाएंगे, वो 3 महीने गए, इस वक्त 7वां साल चल रहा है। और ये देखेंगे इस वक्त की ये नाजुक मसला, अगर इस वक्त भी हमारा 61,000 डेली वेजर इकट्ठा नहीं हुआ और सड़कों पे नहीं आया और जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके से सरकार पे दबाव बनाते हैं, उस तरीके से नहीं किया, तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग फिर पछताएंगे। और आपके माध्यम से मैं लास्ट में गवर्नर इंतजाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमारे मसले को हल करने की कोशिश करें। और 30 तारीख तक जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम पहले ये लागू किया जाए और हमारा SRO 64 जो है उसके तहत हमारी रेगुलराइजेशन शुरू करें, तो उसके बाद हम बहरहाल सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद ये हमारे 61,000 लोगों का और फ्रंट का नया रुख फिर देखेंगे उसकी तमाम। सही यार, कुछ ना कुछ तो करवाओ, लेकिन गवर्नमेंट को गलत मैसेज मत दो अलग होके, जिसके कारण जो कि हमारा जो है, हमारा जो डेली वेजरों का जो मसला है, इससे गवर्नमेंट क्या कहती है डिवाइड एंड रूल के साथ जो ये तोड़ मोड़ के हिसाब से चलती है, जिससे मुलाजमों का नुकसान होता है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। और उसके साथ मैं ये आपने जो आज जो वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जा रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी को भी मुबारकबाद देता हूँ और अपने चीफ इंजीनियर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जो कि आज वहाँ पे ऑनलाइन जो ये चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जल को बचाना है। लेकिन मैं उनको ये मुबारकबाद देता हूँ, भाई जल तो बच जाएगा, ये ऊपर अल्लाह की नियामत है, ये हमारे भगवान की नियामत है, इसको ना तो सूरज को ख़त्म कर सकता है ना कोई जल को ख़त्म कर सकता है। लेकिन आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद है कि हमारे 61,000 डेली वेजरों को आपने ख़त्म कर दिया, मैं आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। तो अब आप ये बताइए कि हमारे पास लास्ट रास्ता यही बचा है कि अब हम ये ज़्यादा देर वेट करने वाले नहीं है, 2-4 दिन में जो भी बजट चल रहा है अगर ये कोई प्रावधान रखते हैं तो ठीक है, जैसे हमारे भाइयों ने कहा है, उसके बाद हमारा आंदोलन किस रुख में जाएगा जिसके कारण गवर्नमेंट को ये नुकसान उठाना पड़ेगा।